दोस्तों, किसी भी YouTube चैनल से पैसा कमाने के लिए जरूरी होता है कि वो चैनल YouTube द्वारा मोनेटाइज किया जाए। मोनेटाइज करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया है, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आप जैसे ही पूरा करते हैं तो आपका जो चैनल है वो YouTube फिर रिव्यू करता है, और उस रिव्यू के दौरान अगर आपका चैनल अप्रूव किया जाता है तब तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन जब वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अनअप्रूव कर दिया जाएगा, तो फिर वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आज के समय में जितने भी चैनल्स अनअप्रूव हो रहे हैं, यानी कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो पा रहे हैं, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है और वो प्रॉब्लम है रीयूज कंटेंट की। YouTube के द्वारा बताया जाता है कि आपने अपने चैनल पर रीयूज कंटेंट का जो पॉलिसी है उसको वॉयलेट किया है, इसीलिए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये रीयूज कंटेंट क्या होता है, ताकि आप अपने चैनल पर ये गलतियां ना करें और आपका चैनल आसानी से वहां पर रिव्यू के अंदर पास हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर ये रीयूज कंटेंट क्या होता है, इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि अगर कोई क्रिएटर कॉपीराइट फ्री इमेजेस या वीडियोस को लेकर एक साथ उनको जोड़ देता है, मान के चलिए 5-6 वीडियोस उसने डाउनलोड की, उनको एक साथ जोड़ दिया और उसको एक लॉन्ग वीडियो बनाकर उसको अपलोड किया, तो ऐसी जो वीडियो है जिनमें उसका कोई ओरिजिनल साउंड नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, ऐसे वीडियोस को एक साथ जोड़कर जब वो अपलोड करता है तो यूट्यूब की नजर में ये रीयूज कॉन्टेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरा, यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल पर जो पुरानी वीडियोस उन्होंने अपलोड की हुई हैं उनको बार बार वो रीअपलोड करते रहते हैं कि उन पर ज्यादा व्यूज आए, कभी वो उनकी वीडियो चल जाए, तो ऐसे में अपनी ही वीडियोस को बार बार रीअपलोड करना उसी चैनल पर, ये भी रीयूज कॉन्टेंट की कैटेगरी में आता है। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो टीवी शो की या किसी फिल्म की या किसी क्रिकेट मैच की बड़े बड़े वीडियो क्लिप्स को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, उनमें ना उनकी कोई वॉइस होती है ना कोई कमेंट्री होती है, तो ऐसी जो वीडियोस जो लोग अपलोड करते हैं वो भी यूट्यूब की तरफ से रीयूज कॉन्टेंट की कैटेगरी में मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी थीम या कोई ऐसा टेम्पलेट जो पहले से बना हुआ है उस पर वो अपने वीडियोस बनाते हैं, बार बार उन वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो ऐसे जो वीडियोस हैं वो भी रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरे चैनल के वीडियोस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और उस रिएक्शन वीडियोस में आपकी ना कोई साउंड है, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई वॉइस ओवर है, तो ऐसे जो वीडियोस होते हैं ये भी रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 से 5 तरह के, और आप अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस को ना अपलोड करें वही आपके लिए सही रहता है, ताकि आपके चैनल को फिर मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये था कि आखिर ये रीयूज कंटेंट क्या होता है और ऐसे वीडियोस को आपको अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है। दोस्तों, और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।